हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम सेट एग्ज़ाम से रिलेटेड सामाजिक धार्मिक आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड सवालों के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, आपके सेट के एग्ज़ाम में दोस्तों सामाजिक धार्मिक आंदोलन दिए गए हैं भारत से संबंधित और स्वतंत्रता आंदोलन दिए गए हैं। ठीक है, तो इनसे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं दोस्तों वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वीडियो आप लोगों के लिए दोस्तों रामबाण साबित होगा। यहाँ से आपको डेफिनेटली सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ से सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये मैं आपको बता दूं। अभी जो दोस्तों 4-5 एग्जाम हुए हैं पिछले, उसमें यहाँ से काफ़ी सारे सवाल पूछे गए हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल देखिए, ठगों के दमन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो दोस्तों ठगों के दमन का श्रेय किसे दिया जाता है, या आपके कार्नल स्लीमैन को दिया जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ठगों के दमन का श्रेय कार्नल स्लीमैन को दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, नरेंद्रनाथ दत्त हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म कब हुआ था, 1863 में हुआ था। ठीक है, 1893 में दोस्तों इन्होंने शिकागो के धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, शिकागो का जो धर्म सम्मेलन हुआ था अमेरिका के अंदर, उसमें इन्होंने भाग लिया था। और 1897 में इन्होंने दोस्तों रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, आगे देखिए, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो दोस्तों सती प्रथा का जो उन्मूलन हुआ था वो किसके प्रयासों से हुआ, तो राजा राममोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ठीक है, एक तो आपके राजा राममोहन राय हो जाएंगे और एक आपका कैनिंग हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो कि हम अभी आगे देखेंगे। आगे देखिए, अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? तो दोस्तों अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था, ये आपके अहमद खान ने स्थापित किया था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्यालय संस्थापित किया? तो दोस्तों थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है ये 1875 में हुई थी। ठीक है, भारत के अंतर्गत इसने अपना मुख्य कार्यालय 1882 में अडियार में स्थापित किया था। ठीक है, 1882 में अडियार में स्थापित किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो दोस्तों 1873 के अंतर्गत सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, सारे सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सवाल आपको याद होने चाहिए। ठीक है, मैं लगभग 100 से 120 सवाल आपको करवाने वाला हूँ, अगर आपने ये याद कर लिए तो आपका सवाल बैठ जाएगा। ठीक है, सत्यप्रकाश पुस्तक के लेखक है, सत्यप्रकाश जो है दोस्तों ये दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखी गई है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दयानंद सरस्वती के द्वारा दोस्तों 1875 में बंबई के अंदर आर्य समाज की स्थापना की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों 1897 में किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, तो ये आपके विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? तो दोस्तों वहाबी आंदोलन जो है ये आपको ध्यान रखना है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो दोस्तों महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, ये आपके महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, महादेव गोविंद रानाडे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, आगे देखिए, ये हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये आपके सैयद अहमद खान ने की थी। ठीक है, आगे देखिए, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है दोस्तों, तो आधुनिक भारत का जनक जो है ये राजा राममोहन राय को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ठीक है, किसको कहा जाता है, राजा राममोहन राय को कहा जाता है। आगे देखिए, कन्याकुमारी का रोक मेमोरियल निम्नांकित में से किसके लिए समर्पित है? तो दोस्तों कन्याकुमारी का रोक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है, तो ये स्वामी विवेकानंद जी के लिए समर्पित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कन्याकुमारी का जो रोक मेमोरियल है ये आपके स्वामी विवेकानंद जी के लिए समर्पित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था, स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे दोस्तों इनका मूल नाम क्या था, इनका मूल नाम था मूल शंकर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनका मूल नाम क्या हो जाएगा, मूल शंकर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। आगे देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना जो है ये किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी, तो ये केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, केशव चंद्र जी की प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों, आत्मा राम पांडुरंग ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। आत्मा राम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और किसकी प्रेरणा के स्वरूप हुई थी, तो केशव चंद्र सेन, ये आपको ध्यान रखना है।
आगे देखिए 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आदमी सभा की स्थापना की। तो दोस्तों आदमी सभा की स्थापना कब हुई थी, पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है 1815 में हुई थी, ठीक है। कहाँ पर हुई थी दोस्तों, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो कलकत्ता में हुई थी, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। किसने की थी, राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, पूछा जाता है ये सवाल, अभी आपका छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड में पूछा गया था, ठीक है। तो आदमी सभा की स्थापना 1815 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई, ठीक है। आगे देखिए, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, तो ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। कब की गई थी दोस्तों, 1828 में की गई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई, 1828 में की गई, ठीक है। आगे देखिए, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज, स्थापित है दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी बम्बई के अंतर्गत। आगे देखिए, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों 1897 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1897 कर लीजिए इसे, 1897 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। आगे देखिए, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ब्रह्म समाज आपका किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों, ये आपका एकेश्वरवाद पर आधारित है दोस्तों। किस पर आधारित है, एकेश्वरवाद पर आधारित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके संस्थापक आपके शिवदयाल साहब हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, शिवदयाल साहब। ये एकेश्वरवाद भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, शिवदयाल साहब भी एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन हो जाएंगे, शिवदयाल साहब हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, वेदों की ओर लोटो नारा किसने दिया था, तो दोस्तों वेदों की ओर लोटो, यह नारा आपका दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है ये, ठीक है। आगे देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों प्रार्थना समाज के संस्थापक आपके कौन हो जाएंगे, आत्माराम पांडुरंग हो जाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप इसकी स्थापना की गई थी, तो ये आपके केशवचंद सेन हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, अहमदैया कादियानी किसने आरंभ किया था, तो दोस्तों अहमदैया कादियानी 1889-90 किसने आरंभ किया था, ये मीज़ो गुलाम अहमद ने आरंभ किया था, ठीक है। अहमदिया और कादियानी, ये आपके मीज़ो गुलाम अहमद ने आरंभ किया था, ठीक है। आगे देखिए, वर्ष 1914 ईस्वी में बम्बई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो दोस्तों बम्बई के अंतर्गत सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना ये आपके श्री राम वाजपेयी ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कब की थी, 1914 में बम्बई में, ठीक है। सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना श्री राम वाजपेयी ने की थी, ठीक है। आगे देखिए, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी, इसका मुख्यालय वेलूर में था, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर था दोस्तों इसका मुख्यालय, वेलूर में था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे देखिए, थियोसोफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय जाता है, तो दोस्तों थियोसोफिकल आंदोलन जो था, जो मैंने आपको बताया दोस्तों 1882 में भारत में इसका मुख्यालय स्थापित हुआ था, ठीक है, तो इसको भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे जाता है, एनी बेसेंट को जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एनी बेसेंट को जाता है। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी, तो एनी बेसेंट जो थी दोस्तों ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, तो ये कब बनी थी, तो ये दोस्तों आपके 1917 में बनी थी, ये आपको ध्यान रखना है। कब बनी थी दोस्तों, 1917 में बनी थी, ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1917 में बनी थी। आगे देखिए, वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मदन एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो दोस्तों कलकत्ता में मोहम्मदन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, ये अब्दुल लतीफ़ ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। किसने की थी दोस्तों, अब्दुल लतीफ़ ने की थी, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। मोहम्मदन एसोसिएशन की स्थापना किसने की, अब्दुल लतीफ़ ने की थी, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। बारडोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था, तो बारडोली सत्याग्रह जो हुआ था दोस्तों 1928 में, इसका नेतृत्व आपके वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बारडोली सत्याग्रह जो हुआ था, इसका आंदोलन किसने किया, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया, 1928 में हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, 1899-1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था, तो दोस्तों मुंडा क्रांति जो हुई थी इसका नेता कौन था, ये आपका बिरसा मुंडा हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। कौन हो जाएंगे, बिरसा मुंडा, ठीक है, नाम से लग रहा है मुंडा क्रांति, बिरसा मुंडा। आगे देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, तो दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता जो है ये स्वामी सजानंद के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, स्वामी सजानंद के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ठीक है, स्वामी सजानंद के द्वारा की गई थी। आगे देखिए, बम्बई में अखिल भारतीय
व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई थी? ये 1920 में हुई थी, ठीक है। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी, ठीक है। हो विद्रोह हुआ, तो हो विद्रोह आपका कब हुआ था दोस्तों? 1820-1821 में हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, छोटा नागपुर में ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? तो दोस्तों छोटा नागपुर के अंदर ताना भगत आंदोलन हुआ था, ये आपका कब हुआ था? ये 1914-15 में हुआ था, ठीक है। इसको याद रह जाए तो रख लेना दोस्तों, ताना भगत आंदोलन आपका 1914-15 में हुआ था, ठीक है। यहाँ पर दोनों ऑप्शन सेम दिए गए हैं, आप एक याद रख लीजिए। आगे देखिए, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था दोस्तों, ये तीन कड़िया से जुड़ा हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। किससे जुड़ा हुआ था दोस्तों? तीन कड़िया से, ठीक है। आगे देखिए, उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? तो दोस्तों उल गुलान जो महाविद्रोह था, ये आपका बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था, ठीक है। उल गुलान, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। एक तो आपका मुंडा विद्रोह था और एक आपका हो जाएगा उल गुलान विद्रोह, ये किससे जुड़ा हुआ है? ये बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, खेरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो खेरवार आदिवासी आंदोलन आपका कब हुआ था दोस्तों? ये आपका 1870 में हुआ था, ठीक है। खेरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ दोस्तों? ये आपका 1870 में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, मोपला आंदोलन कहाँ हुआ? मोपला आंदोलन दोस्तों आपका मालाबार में हुआ था, ठीक है। मो से मोपला और म से आपका मालाबार हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ पर हुआ दोस्तों? मालाबार में हुआ, ठीक है। आगे देखिए, अभी कुछ इंपॉर्टेंट सवाल भी आने वाले हैं दोस्तों, ठीक है, इनको जल्दी जल्दी हम डिस्कस कर लेते हैं। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, तो पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारो का, ठीक है। आगे देखिए, पागलपंथी विद्रोह किसम का हो जाएगा दोस्तों? गारो का। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? या आपके भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, ठीक है। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाएगा? भीमराव अम्बेडकर को कहा जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किनके मध्य हुआ? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, पूना समझौता हुआ था दोस्तों, जिसे पूना एक्ट के नाम से जाना जाता है, 1932 में हुआ था, ठीक है। ये भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये आपका पूछा जाएगा, ठीक है। इरविन समझौता जो है दोस्तों, ये आपका 1931 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है दोस्तों, ये आपका लखनऊ में हुआ था, ठीक है, और 1936 में हुआ था। तो किसान सभा का गठन 1936 में कहाँ पर हुआ था दोस्तों? लखनऊ में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, मोपला विद्रोह का नेता था, तो मोपला विद्रोह जो है दोस्तों, ये आपका कहाँ पर हुआ था? मालाबार में हुआ। इसका नेता कौन था? मुसलियार था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन हो जाएगा? मुसलियार। आगे देखिए, गुजरात के बारडोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों ने किया था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना। किसने किया? महात्मा गांधी जी ने भी किया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी किया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल याद रह जाएगा दोस्तों, गुजरात में हुआ था बारडोली सत्याग्रह 1928, सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी जी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों तेलंगाना में जो आंदोलन हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था? डोडडी कुमारैया और सुंदरैया दोनों के द्वारा किया गया था दोस्तों, कुमारैया और सुंदरैया दोनों के द्वारा किया गया था, ठीक है। आगे देखिए, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस 1920 में किसने की? तो दोस्तों अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस 1920 में अध्यक्षता किसने की थी? तो ये NM जोशी के द्वारा की गई है दोस्तों, ठीक है। NM जोशी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसके द्वारा की गई? NM जोशी, पूछा जा सकता है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो ये वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना। आगे देखिए, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे? तो दोस्तों भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन हो जाएंगे? आपके NM जोशी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? NM जोशी हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, पूछा जा सकता है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता NM जोशी हो जाएंगे, ठीक है। सती प्रथा को समाप्त करने में किसने पहल की थी? तो ये राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो ये दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है, 1875 में बम्बई के अंतर्गत। आगे देखिए, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो 1857 का विद्रोह दोस्तों मेरठ से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया था? तो बेगम हजरत महल ने दोस्तों कहाँ पर किया था? लखनऊ के अंतर्गत किया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये सवाल दोस्तों भी आपका
असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछा गया था, कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि आपसे पूछा जा सकता है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? नाना साहब ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या हो जाएगा? ये आपका मणिकर्णिका हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों 1857 की क्रांति के समय? तो ये आपका लॉर्ड पामिस्टन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, कौन हो जाएगा दोस्तों? लॉर्ड पामिस्टन, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा दोस्तों? यह आपका लॉर्ड पामिस्टन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। यह सवाल भी इंपॉर्टेंट है, यह आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये आपके मिर्ज़ा गालिब के द्वारा देखा गया था, ठीक है। जगदीशपुर के ज़मींदार थे, जगदीशपुर के ज़मींदार कौन थे दोस्तों? कुंवर सिंह थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली में विद्रोह किसने किया था दोस्तों? तो ये खान बहादुर ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। बस है बरेली, बस है बहादुर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ, मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ था? 10 मई 1857 को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया? मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकंड को भारत का सम्राट घोषित किया, तो ये 12 मई 1857 को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 10 मई को तो क्रांति हुई थी दोस्तों, और 12 मई 1857 को इन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकंड को सम्राट घोषित कर दिया था, ठीक है। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? बख्त खां के द्वारा किया गया था, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो आप जरूर देखना, ठीक है। थोड़े से यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे जो आउट ऑफ सिलेबस हो सकते हैं, बट आपको पता है RSMSSB के द्वारा कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा बेंजामिन डिज़राइल के द्वारा दी गई थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो दोस्तों कमल और चपाती निश्चित किया गया था, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वर्ध व्यक्ति कहते हैं? तो महान वर्ध व्यक्ति किसको कहा जाता है दोस्तों कांग्रेसी नेताओं में? तो ये दादा भाई नेहरू जी को कहा जाता है दोस्तों। किसे कहा जाता है? दादा भाई नेहरू जी को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दादा भाई नेहरू जी हो जाएंगे। आगे देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक आपके कौन हो जाएंगे दोस्तों? एओ ह्यूम हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि एलन ऑक्टोवियन ह्यूम हो जाएंगे, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1885 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। 1885 में दोस्तों इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों उसमें अध्यक्षता किसने की थी? ये आपके WC बनर्जी के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरा अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों 1886 में, ठीक है, कलकत्ता के अंतर्गत, तो उसमें अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नेहरू जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। और तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ था दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है दोस्तों? ये आपके एओ ह्यूम को कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी के द्वारा की गई थी, 1886 में कलकत्ता में दूसरा अधिवेशन हुआ था दोस्तों, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी तो ये आपकी 1885 में की गई थी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, ठीक है। इसका प्रथम और द्वितीय अधिवेशन आपको ध्यान रखना है दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपके WC बनर्जी हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे वितरानी कब्जे में रखा जाएगा? ये किसने कहा था? एल्गिन ने कहा था दोस्तों। किसने कहा था ये एल्गिन ने कहा था, ठीक है। आगे देखिए, महात्मा गांधी एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रथम बार एक दूसरे से भेंट किस नगर में हुई थी? तो पहली बार जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी की जो भेंट हुई थी ये आपकी लखनऊ में हुई थी, ठीक है, ध्यान रखना है, लखनऊ में हुई थी इनकी भेंट। आगे देखिए, ब्रिटिश भारत का वह प्रांत जिसका स्वतंत्रता प्राप्ति के समय धार्मिक आधार पर विभाजन हुआ था निम्न है? तो दोस्तों धार्मिक आधार पर विभाजन हुआ था, ठीक है, ये आपका बंगाल हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी? तो ये आपकी एनी बेसेंट हो जाएगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे? तो दोस्तों गदर पार्टी जो है इसके प्रमुख नेता कौन थे? ये आपके हरदयाल थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कौन थे? हरदयाल। काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है
और उसे मैं लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? तो दोस्तों स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये सवाल आप माने दोस्तों पूछा जा सकता है आपका, ठीक है? तो ये आपका बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ठीक है? आगे देखिए, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों 1906 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, ठीक है? आगे देखिए, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दोस्तों केसरी शुरू की गई थी, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है? केसरी शुरू की गई थी, और एक मराठा जो है ये किससे संबंधित है? ये आपकी बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है, ठीक है? साप्ताहिक पत्रिका हो जाएगी आपकी केसरी, किसके द्वारा शुरू की गई? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी दोस्तों इसका प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था, पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है? प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था दोस्तों। ये जो भी सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है? आगे देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? तो ये आपका सलीमुल्ला और आगा खां को जाता है। किसको जाता है दोस्तों? सलीमुल्ला और आगा खां को जाता है। ये आगा खां आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आगा खां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, ठीक है? आगे देखिए, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो दोस्तों गणपति उत्सव जो है इसे आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? ये आपके बाल गंगाधर तिलक को प्राप्त है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, ठीक है? गणपति उत्सव किसने आरंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। आगे देखिए, अनुशीलन समिति थी, अनुशीलन समिति जो थी दोस्तों ये आपकी एक क्रांतिकारी संगठन था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? बंगाल का विभाजन हुआ था, तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था दोस्तों? तो ये आपका 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को, डेट के साथ ध्यान रखना है, ठीक है? और किसने किया था दोस्तों? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, ठीक है? 16 अक्टूबर 1905। आगे देखिए, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो गदर पार्टी की स्थापना आपकी 1913 में हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई दोस्तों? ये 1913 में हुई है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है? आगे देखिए, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों आपके नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई? नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा, ठीक है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खां। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है, या आपके बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, भारतीय अशांति जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। आगे देखिए, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना वी डी सावरकर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? सावरकर के द्वारा की गई थी, आपको ध्यान रखना है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना। आगे देखिए, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग जो थी दोस्तों उसका प्रथम अध्यक्ष आपका आगा खां था, ठीक है? आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों राष्ट्रीय शोक दिवस जो है ये आपका बंगाल विभाजन लागू होने के दिन मनाया गया, ठीक है? राष्ट्रीय शोक दिवस आपका कब मनाया गया? बंगाल विभाजन होने के दिन। बंगाल विभाजन कब हुआ आपका? 16 अक्टूबर 1905 को, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों जय हिंद का नारा जो है ये आपका किसके द्वारा दिया गया था? ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, ठीक है? याद रह जाएगा, जय हिंद का नारा किसने दिया दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? किसने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? किसने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था, ठीक है? देश बंधु की उपाधि संबंधित है, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। देश बंधु जो है दोस्तों इसकी उपाधि किसको दी जाती है? ये चित्तरंजन दास को दी जाती है, आपको ध्यान रखना है। किसको दी जाती है? चित्तरंजन दास को दी जाती है देश बंधु की उपाधि, ठीक है? आगे देखिए, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? तो ये लाहौर में हुआ था दोस्तों, और 1929 का जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों इसमें अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यहाँ पर अध्यक्षता की गई थी, और स्वराज की मांग जो है ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और एक अधिवेशन दोस्तों आपका 1938 का हुआ था, हीरापुरा अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन है दोस्तों? हीरापुरा अधिवेशन, यहाँ पर अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, ठीक है? आगे देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। सिंगापुर के अंदर दोस्तों दिल्ली चलो का नारा दिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, सिंगापुर में दिया था, 1943 में दिया था, ठीक है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कब दिया था ये? 1943 में दिया था, ठीक है? 1943, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ष 1919 में
जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? तो दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये अमृतसर में हुआ था। ठीक है, ये सवाल भी आपका पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? नमक सत्याग्रह दोस्तों आपका 1930 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 का हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात की जाए तो ये आपका 1920 का हो जाएगा। ठीक है, और चोरी चोरा कांड जो है ये आपका 1922 का हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक आपके राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कौन हो जाएंगे? राम प्रसाद बिस्मिल। आगे देखिए, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो दोस्तों जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश ओ डायर वायली ने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो दोस्तों राष्ट्रपिता इनको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही कहा गया था। ठीक है, आगे देखिए, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 30 जनवरी 1948। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो दोस्तों भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी बना था, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, यानी भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा जो भारतीय था? सी राजगोपालाचारी। आगे देखिए, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार पूछा जाता है महात्मा गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतना ध्यान रखना आपको, बस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था इन्होंने। आगे देखिए, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? जनरल डायर की हत्या दोस्तों जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था, इसकी हत्या उधम सिंह के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? साइमन कमीशन जो होता है दोस्तों ये भारत कब आया था? ये 1928 में आया, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रोलेट एक्ट जो है दोस्तों आपका ये 1919 का हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु आपके गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये सवाल। ठीक है, आगे देखिए, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये किसने दिया था? दोस्तों सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये किसके द्वारा लिखा गया? ये इकबाल के द्वारा लिखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ये सवाल आपका दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दीनबंधु रचनाकार के नाम से कौन विख्यात है? या आपके दीनबंधु रचनाकार जो है ये हो जाएंगे सी एफ एंड्रूज, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दीनबंधु रचनाकार के नाम से सी एफ एंड्रूज विख्यात है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन हो जाएंगे दोस्तों? सी एफ एंड्रूज, याद रखना है दोस्तों। आगे देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ के रचनाकार है, तो दोस्तों माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ के रचनाकार कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो काला कानून किसे कहा था? रोलेट एक्ट को कहा था। कब का है दोस्तों? ये आपका 1919 का है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वराज्य पार्टी की स्थापना दोस्तों ये आपकी 1923 में की गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जाता है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी दोस्तों, ये किसके द्वारा की गई थी? तो सी आर दास के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और शायद इसमें मोतीलाल नेहरू भी सम्मिलित है। आगे देखिए, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? तो दूसरा विभाजन कब हुआ था दोस्तों? प्रथम विभाजन तो 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम तो ये हो गया आपका सूरत में 1907, दूसरा आपका बम्बई 1918 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कब हुआ दोस्तों? 1918 में हुआ था, बम्बई के अंदर। आगे देखिए दोस्तों, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय जो था ये चेम्सफोर्ड था। कौन था दोस्तों? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये आपको ध्यान रखना। कौन हो जाएगा दोस्तों? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, आगे देखिए, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई है दोस्तों। कौन सी लिखी गई है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, याद रह जाएगा। आगे देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? भगत सिंह के द्वारा। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष भारत की आज़ादी के समय जे बी कृपलानी थे, पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, जे बी कृपलानी जो थे ये आपके आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो हरिजन संघ के संस्थापक आपके महात्मा गांधी जी हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है,
आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 का है दोस्तों, इस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री आपका चर्चिल था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? कौन था? चर्चिल, ठीक है? भारत छोड़ो आंदोलन चर्चा में था तो चर्चिल हो जाएगा, ठीक है? भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होने से पहले ही गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो इन्हें दोस्तों आगा खां महल में रखा गया था। कहाँ पर रखा गया था? आगा खां महल में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आगे देखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये आपके महात्मा गांधी जी ने दिया था, डू और डाई। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो ये 1915 में लौटे थे दोस्तों, ठीक है? आगे देखिए, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, तो मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था दोस्तों? तो ये आपका 1939 में मनाया गया था दोस्तों। कब मनाया गया था? 1939 में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1939, ठीक है? आगे देखिए, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, यह मैं आपको बता चुका हूँ। महामना की संज्ञा किसे दी गई है? दोस्तों महामना की संज्ञा जो है ये किसे दी गई है? ये मदन मोहन मालवीय को दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। किसको दी गई है? मदन मोहन मालवीय को, ठीक है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना जो है दोस्तों ये बिस्मार्क से की जाती है। किससे की जाती है दोस्तों? बिस्मार्क से की जाती है, आपको ध्यान रखना है। और ऊपर वाला जो सवाल मैंने आपको बताया, महामना की संज्ञा किसे दी जाती है? मदन मोहन मालवीय, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब यहाँ पर कुछ विविध प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों, दो पांच क्वेश्चन और है। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक आपके कौन हो जाएंगे दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है? ये पूछा जा सकता है, आनंद मठ के लेखक आपके कौन हो जाएंगे? बकीम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आगे देखिए, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन आपके विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आगे देखिए, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है, तो दोस्तों लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक आपके कौन हो जाएंगे? ये आपके अरविंद घोष हो जाएंगे। अरविंद घोष जो थे, इनके द्वारा लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखी गई है, ठीक है? आगे देखिए, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत की संविधान सभा जो है ये आपकी कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई है। कैबिनेट मिशन आपका 1946 का हो जाएगा, ठीक है? आगे देखिए दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो दोस्तों वंदे मातरम जो है ये कहाँ से संकलित है? ये आनंद मठ से संकलित है, ठीक है? वंदे मातरम भी किसने लिखा है दोस्तों? बकीम चंद्र चटर्जी, ठीक है? ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बेसिक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ठीक है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किन संवत पर आधारित है? तो ये आपका संघ संवत पर आधारित है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर विक्रम मत कर देना, भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है ये संघ संवत पर आधारित है, ठीक है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये आपके भिकाजी कामा ने डिजाइन किया था, मैडम भिकाजी कामा, मैडम भिकाजी कामा, ठीक है? मैडम भिकाजी कामा, ठीक है? देवदास उपन्यास के रचनाकार है, तो दोस्तों देवदास उपन्यास जो है इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएंगे, ठीक है? देवदास उपन्यास जो है दोस्तों इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? इसके रचनाकार आपके शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएंगे, ठीक है? आगे देखिए दोस्तों, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगणमन कहाँ पर गाई गई थी? पहली बार जनगणमन आपका बम्बई में गाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर गाया गया था दोस्तों? बम्बई में, ठीक है? झंडा गीत किसने लिखा था? तो झंडा गीत किसने लिखा दोस्तों? ये आपके श्यामलाल गुप्ता ने लिखा था, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसने लिखा? श्यामलाल गुप्ता ने लिखा, ठीक है? डिजाइन तो भिकाजी कामा ने किया था, और यहाँ पर झंडा गीत किसने लिखा? ये श्यामलाल गुप्ता ने लिखा है, ठीक है? उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दुर्गेश नंदिनी जो है इसके लेखक कौन है? दुर्गेश नंदिनी जो है दोस्तों इसके लेखक आपके बकीम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? वंदे मातरम गीत लिखा था, तो वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया है? बकीम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है? किस वर्ष ओडिशा बिहार से पृथक हुआ? तो ओडिशा बिहार से पृथक कब हुआ था दोस्तों? तो ये आपका 1936 में हुआ था, तो ये आपका 1936 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? तो इंडियन अनरेस्ट का लेखक आपका कौन हो जाएगा दोस्तों? वैलेंटाइन सिरोल हो जाएगा, ठीक है? इंडियन अनरेस्ट का लेखक वैलेंटाइन सिरोल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? आगे देखिए, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये आपका मैंने बताई दिया दोस्तों, राजगोपालाचारी हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? यानी BHU के संस्थापक कौन हो जाएंगे दोस्तों? मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे, ठीक है? आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये आपका 1942 में शुरू हुआ था दोस्तों, ठीक है? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? तो करो या मरो का नारा जो है दोस्तों ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दिया था, ठीक है? आगे देखिए, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? ये भी आपको महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया है। और भारत में राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब गाया गया? तो 27 दिसंबर 1919
ग्यारह को गाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था, पहली बार कहाँ पर गाया गया था दोस्तों, बम्बई में गाया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राष्ट्रीय गान प्रथम बार बम्बई में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सवाल कंप्लीट हो चुके हैं, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।